वेलकम सर। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण के इस एपिसोड बसाई की आवाज। और आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी, जो कि जियो लाइफ के सीईओ। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू दोस्तों। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे मैंने कहा कि वो जियो लाइफ के सीईओ है और बहुत ही अच्छे एकेडमिशियन हैं, वेरी नॉलेजबल है। इससे रादर देन कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, डॉक्टर साहब आप से मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में और जो जिस टॉपिक को आप शुरू करने वाले, जिस चीज में आप हमें ज्ञान देने वाले हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। ओवर टू डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सैनी साहब एंड कृषि जागरण मंच से आज हमारे इस कार्यक्रम को के जितने भी लोग दर्शक हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक कोने से लोग आज जुड़े हुए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस एक इंफॉर्मेशन के ऊपर आ रही थी, आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम। प्रिय दोस्तों, छोटा परिचय तो बहुत बड़ा नहीं है, परिचय केवल इतना है कि मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। मैंने जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर, देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन किया, पीएचडी की, एमबीए किया स्टैनफोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट पीजीडीआरडी किया। और ये सब करके इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अगर एग्रीकल्चर में कुछ और ग्राउंड लेवल पर जाकर के करने की दिल में तमन्ना है, कुछ चाहत है, तो शायद एक सेक्टर और है जहां पर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, और वो था प्राइवेट सेक्टर। और मैंने अपने करियर को इस तरीके से टर्न करके एंड देन आई स्टार्टेड माय करियर। फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तो फर्टिलाइजर, प्लांट न्यूट्रिशन, बायो एग्रीकल्चर, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल बिजनेस को हेड किया। टोटल 20-22 साल का टोटल एक्सपीरियंस लेकर के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही आज इस टॉपिक की बात कृषि जागरण मंच से हम आपके साथ करने वाले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कृषि जागरण मंच को और विपिन सैनी साहब को, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि एक ऐसा बर्निंग टॉपिक में लेकर के आया हूं जिसके ऊपर मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को तो पहले झटके पे यकीन ही नहीं होगा। और टॉपिक ये है कि क्या रियली पैथोजन प्लांट डिजीज के सही कारण है, और अगर सही कारक वो हैं तो कैसे, और अगर कोई ये कहता है कि नहीं कुछ और भी कारण हैं जो रियली प्लांट डिजीज को जन्म देते हैं, वो क्या हैं, आज वो बात हम आपके साथ करना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी, और समय ना लेते हुए और आपका बड़ा ही जो आप कह रहे हैं, मैं तो खुद ही अभी एक्साइटेड हो गया हूँ कि प्लांट डिजीज या पौधों की जो बीमारियां हैं उनके वाकई कारण पैथोजेंस हैं कि नहीं है, मैं भी जानना चाहूंगा। तो त्रिपाठी साहब, ओवर टू यू, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपका कोई पीपीटी वगैरह है तो आप। पीपीटी नहीं सर, चूंकि ये हमने पूरा एक लार्ज स्केल के ग्रुप के लिए तैयार किया, तो मैं अपने आप भी उनके साथ रूबरू होकर के आंखों से आंख मिला करके बात करने की दिली इच्छा है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस स्टेटमेंट की शुरुआत एक अमेरिकन बड़े एग्रीकल्चर के फिलोसफर और बड़े साइंटिस्ट की स्टेटमेंट से शुरू करना चाहता हूँ। और स्टेटमेंट उनका यह था कि पैथोजेंस आर नॉट रियल कॉज ऑफ प्लांट डिजीज, रेदर दे ओनली अटैक टू अनसुटेबल और इम्प्रॉपरली ग्रोन क्रॉप्स, दे एक्ट एज अ सेंसर टू पॉइंट आउट दैट दिस क्रॉप इज इम्प्रॉपरली नरिश्ड और इम्परफेक्टली ग्रोन। मैकडोल्फ एंड व्हील ने यह स्टेटमेंट बहुत वर्षों पहले दिया था, जो उस समय से लेकर के आज तक ये बात एक बार में डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा कैसे संभव है। मैं इस बात को शुरू करने के पहले प्रारंभिक चरण में ही मनुष्य से एक एग्जांपल लेकर के तुलना करके, चूंकि आज मैं इस फोरम पे इस बात को प्रूफ करना चाहता हूं कि ये है, तो मैं मनुष्य के तुलना करके आपको लेकर के चलता हूं कि अगर दो व्यक्ति हों, हम हूं और विपिन सैनी साहब हमारे हैं, और हम दोनों लोग
पहले बारिश की बरसात हो और हम दोनों लोग घर के बाहर जाएं और दोनों लोग लबालब पहले पानी में भीग जाएं। पहले पानी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं सरल शब्दों में कि पहले वायुमंडल में जितने बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं पहला रेनफॉल के साथ नीचे आते हैं। हम और विपिन सैनी साहब दोनों एकदम तरबदर हो जाएं पानी में और उसके बाद हम दोनों लोग कमरे के अंदर आते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद डॉक्टर अमित त्रिपाठी क्रोशिन पैरासिटामोल टेबलेट ढूंढते हैं, छींक आती है, सिर दर्द होता है और चद्दर तान के बिस्तर पे जाते हैं। विपिन सैनी साहब एक कप का चाय लेकर के और बैठे हुए होते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर अमित त्रिपाठी बीमार पड़ गए? विपिन सैनी साहब बीमार नहीं पड़े, भगवान ना करे कभी भी बीमार पड़े, पर वो बीमार नहीं पड़े। क्या लगता है आपको कि जब हम दोनों लोग घर के बाहर पानी में पहली बारिश में भीग रहे थे तो बैक्टीरिया वायरस फंगस पहचान रहे थे क्या कि त्रिपाठी जी के ऊपर पड़ जाओ, इनको बीमार करो और विपिन सैनी साहब को मत बीमार करो क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को देते हैं बात करने के लिए? ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। इसका मतलब क्या है कि अगर वो बैक्टीरिया वायरस और फंगस दोनों के ऊपर बराबर पड़े और एक आदमी बीमार पड़ गया, एक आदमी बीमार नहीं पड़ा, और आज भी मैं इस फोरम के माध्यम से ये बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी किसी को लगे कि नहीं ये बात में मेरे को यकीन नहीं तो कभी भी करके देख लीजिएगा, और जब आप करके देख लेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम तो उसके बाद तो बात अपने आप हो जाएगी। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं पौधे में लेके चलता हूं आपको, क्योंकि मनुष्य इससे के लिए एग्जांपल की तुरंत चीजें कनेक्ट हो पाती है। सेकंड और एग्जांपल देता हूं। अब ये पेंडेमिक टाइम पे हर जगह पर हम ये देख रहे हैं कि कोविड की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है कि जितने लोग कोविड से इन्फेक्टेड नहीं हुए उनको कोविड के विषाणु ने टच नहीं किया, वो वायरस उनको टच नहीं किया, ऐसा लगता है? मैं ये कहता हूं कि 99% लोगों को वायरस टच करके निकल गया। कुछ लोग जहां पर एंटीबॉडीज बनने में प्रॉब्लम हुआ या बन नहीं पाए प्रॉपर, या प्लांट अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करने में थोड़ा हार गया, हम सिक हो गए, और जहां पर दुरुस्ती के साथ उसका सामना कर पाए सिक नहीं हुई। इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो? मैकडोल फेनवील के इस स्टेटमेंट को मैं वापस वेदों के साथ जोड़ करके आपके सामने लेकर के आता हूं मेरे दोस्त। श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब बच्चे थे मिट्टी खाया करते थे और उनकी मां डंडे लेके पिटाई करती तो मिट्टी खाया मुंह खोल, और भगवान श्री कृष्ण भागते थे कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई थी, लेकिन माँ तो माँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं तो मिट्टी खाया मुंह खोला। जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तब उनके मन में ये बात आई कि मैं तो भगवान हूं लेकिन मेरी माँ को नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, मेरी माँ डर सकती है, लेकिन उन्होंने मुंह खोला, और मुंह खोलते आपको बना मिट्टी के एक एक कण के अंदर पूरा यूनिवर्स दिखाई। साइंस इज नॉट हियर, साइंस वॉज फ्रॉम देयर माय डियर फ्रेंड्स। विज्ञान वहां से था, मिट्टी के एक कण की ताकत वहां से थी। आज ये दो उदाहरण देने के बाद मैं वापस आपको पौधे के जीवन पे लाना चाहता हूं, क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलीज हैं, बहुत समानताएं। पौधों का भी अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है, पौधों का अपना इम्यून सिस्टम है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते। पक्षी विशेषज्ञ पक्षी के चहचहाने को पढ़ते हैं और बता देते हैं कि पक्षी क्या बात कर रहे हैं। प्लांट के अंदर अभी वो साइंस और डेवलप होना बाकी है, जो पौधों के कम्युनिकेशन को हम पढ़ पाए, उसको डिकोड कर पाए और डिकोड करके लोगों को बता पाए कि यस आपस में ये पौधे ये बात कर रहे हैं। जैसा कि आजकल कई रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं कि सोयल माइक्रोब्स और प्लांट्स आपस में बात करते हैं, दैट्स अ फैक्ट। रिसेंटली मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेरिका की एक MIT यूनिवर्सिटी पे ट्रायल हुए, रिसर्च हुए कि पौधे ईमेल भेज सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं वापस आपको टॉपिक के केंद्र बिंदु पे लाऊं। इसके पहले आपके दिमाग पे भूमिका लेकर के आना चाहता हूं कि हाउ प्लांट रिएक्ट्स, चाहे वो पैथोजन के बारे में हो या प्लांट फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस के बारे में हो, चाहे एक एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, प्लांट का रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। कि एक प्लांट के अंदर में नैनो बायोनिक्स करके एक टेक्निक, उसमें वो कार्बन रॉड्स या सिलिकॉन रॉड्स को पौधे के मेसोफिल सेल्स में स्पिनेच क्रॉप के ऊपर में इनबिल्ट किया गया, और उसके बाद पौधे के अंदर में ये सेंस आया कि अगर कोई भी पॉल्यूटेंट एक लेवल से ज्यादा पौधे को टच करता है तो पौधा ईमेल भेजता है। सुनने में ताजुब लगेगा कि मनुष्य तो अभी बहुत सारे लोग ईमेल में हैं लेकिन अभी बहुत लोग गैप है, पौधा कैसे ईमेल भेज सकता है? मेरे दोस्त, ये उस तरीके से ही है कि आप ये मान के चलिए कि 1990s में
जब एक पक्षी आसमान में उड़ता था तो लोगों को पक्षी दिखाई देता था, लेकिन राइट ब्रदर्स को उसके अंदर हेलीकॉप्टर दिखाई दिया था, हवाई जहाज दिखाई दिया था, और उसने उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हवाई जहाज बनाया। आज वक्त इसी चीज का है कि पौधे के अंदर के सिस्टम को हमको पढ़ना है, न केवल साइंटिफिक आईज से बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल आईज एज वेल। और अगर हम उस चीज को पढ़ पाएंगे तो मैं ये बात को साबित करता हूं कि पौधे के अंदर वो क्षमता है कि पौधा डिजीजेस यानी पैथोजेंस को अंदर नहीं आने देगा, रोक देगा, और अगर अंदर आए भी तो अपने आप को इतना मजबूती के साथ खड़ा करेगा कि कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं इससे ये मान के चलूं कि अगर पौधे का अपना इम्यूनिटी सिस्टम, अपने उसकी ताकत, अपना अगर पौधा अच्छा हेल्दी है तो बीमारियां लगने के कम चांसेस होते हैं। इन अ नटशेल आप ये बताना चाहते हैं? करेक्ट। इसी बात पे सर ये है कि हम ये पहले देखें कि बीमारियां आती कैसे हैं पौधे के अंदर, क्योंकि मैं वापस अपने केंद्र बिंदु पे ही केंद्रित हूँ, उसके इर्द गिर्द ही लेकर के चल रहा हूँ जिससे बात क्लियर हो कि बीमारियां आती कैसे हैं। तो हम ये पाते हैं कि बीमारियों का जो प्रवेश पौधे के अंदर होता है वो या तो स्टोमेटा से होता है, लेंटिसिल से होता है, हाइड्रोथ्रोट से होता है, अथवा कोई घाव हो जाए पौधे में, किसी इंसेक्ट ने खरोच दिया पौधे को, कहीं हमने कुल्हाड़ी मार करके कट कर दिया पौधे में। तो जब कोई ऐसी ओपनिंग पौधे की किसी सरफेस से मिलती है, whether it be the root, stem, or leaf, flower, any part of the plant, वहां से पैथोजन की एंट्री होती है। क्या हम उस एंट्री बैरियर, वहां पर बैरियर क्रिएट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, और ये वैज्ञानिकों ने साबित किया हुआ है कि ऐसा किया जा सकता है। अब जरूरत है उसको मास स्केल पर ले जाने की। कैसे संभव है कि अगर कैल्शियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनका मेजर रोल होता है कि कैल्शियम पेक्टेट यानी मिडिल लैमेला को ठीक करते हैं, सेल वॉल को मजबूत बनाते हैं, अगर वो आपने ठीक करके रखा हुआ है तो आप ये मानिए कि नॉर्मल पैथोजन जल्दी से जल्दी एंट्री नहीं कर पाएगा। तो पहला तो आपने एंट्री बैरियर ही क्रिएट कर दिया। फिर सेकंड पार्ट, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट में मेरे पास पूरी लिस्ट है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो ये सिग्नल देता है पौधे के अंदर कि इस कैटेगरी का पैथोजन पौधे के अंदर आ रहा है। पौधे के इम्यून सिस्टम को वो सिग्नल देता है, तैयार हो जाओ, लाठी डंडे लेके तैयार हो जाओ, ये पैथोजन इन्वेडिंग कर रहा है। फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट पे लड़ने की पौधे के अंदर क्षमता होती है, ताकत होती है, और वो सेल्फ इम्यून सिस्टम को ललकारा जाता है, चैलेंज दिया जाता है पैथोजन के माध्यम से। मेरे दोस्तों, पौधा हार क्यों जाता है? पौधे की इंटेलिजेंस नहीं है ऐसा मत समझिए, पौधे के अंदर क्षमता है, इंटेलिजेंस वो जानता है, लेकिन हार जाता है उस तरीके से जैसे सब कुछ होते हुए, जेबों में पैसे होते हुए भी कोविड के टाइम पर हम हॉस्पिटल में जाकर के हार जाते हैं। अगर हमको पौधे के, आज इसीलिए कई बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज विदेशों पे प्लांट एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वो उनका नया टॉपिक ही है कि हमको न्यूट्रिशन फार्मिंग और साथ में प्लांट एम्पावरमेंट या बर्निंग टॉपिक, बर्निंग टॉपिक क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हर पौधे के अंदर छुपी हुई उसके एक एक अनुवांशिक क्षमता के अंदर इतनी बड़ी ताकत छिपी होती है कि अपने पूरे जीवन को चला सकता है। लेकिन उसके लिए पौधे की कुछ डिमांड होती है, और वो डिमांड को हम पहचान नहीं पाते, और पहचान ना पाने से हम उसको पूरा नहीं कर पाते। पहली जरूरत होती है कि हम पौधे की लेटेंट हंगरनेस को पहचाने, छुपी हुई उसकी भूख को हम पहचाने। इसके लिए मैं आज कृषि जागरण के इस मंच से आग्रह करता हूं लोगों को कि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन वैज्ञानिकों ने आज ये खोज निकाला कि पौधे की कौन से प्रावस्था में, कौन सी अवस्था में एग्जैक्टली क्या चीज की जरूरत है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास उस लेवल का विज्ञान पहुंचने में और वक्त लग सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड पे काम कर रहे हैं उनके पास तो है। मैं बात करना चाहता हूँ जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोरम पे कि हमारे GRF जियो लाइफ रिसर्च फार्म के वैज्ञानिकों ने इतना जबरदस्त रिसर्च करके एक ऐसा कंप्लीट पैकेज तैयार कर दिया है जिसमें किसान भाइयों को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास पूरा ऐसा बना हुआ बंडल है, कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज कहते हैं, जो पूरा कंप्लीट साइंटिफिक रिसर्च के बेस पर तैयार किया गया है कि पौधे की, अच्छा ये ग्रोथ की स्टेज है, ये पाउच काटो ये डाल दो, फ्लावरिंग स्टेज है, ये पाउच काटना ये डाल देना है, मतलब इतना परफेक्ट दिया है। और अगर फार्मर ने वो चीजें पूरी की तो हम ये मानते हैं उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। आज कोई भी किसान ये नहीं देखता कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो ये देखता है कि कितना खर्च करके कितना हम लाभ पा रहे हैं। लाभ के भी पैरामीटर्स यहाँ पर दो थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव।
अगर आपने प्रॉपर वे पे प्लांट न्यूट्रिशन का पूरा सेक्शन उपयोग किया है, आई कैन टेल कि आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम, एक बार भी नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगेगा, एक सीजन नहीं दो सीजन, लेकिन आपके 100% कम होगी। दैट्स अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, साइंटिफिक बेस है हमारे पास उस बार। मेरे प्रिय दोस्तों, ये चीज अगर आज जियो लाइफ के प्लेटफॉर्म पर हमारे जीआरएफ के साइंटिस्ट ने कर डाला है, जो अभी हो सकता है कि यूनिक चीज है इंडस्ट्री पे, कि कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज तैयार करना, उसका इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ दूसरा अहम बात यह है कि पौधों के अंदर के रेजिस्टेंस पे जब पौधे सिग्नल दें तो हम उसको पहचाने कैसे, और वो सिग्नल को पहचान करके एग्जैक्टली इमीडिएटली हम उसकी भरपाई कैसे करें, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कई पौधे ऐसे हैं जो सिग्नल देते हैं, कुछ पौधे जैसे धान का पौधा आप जानते हैं, बनाना में भी हमने देखा है, इवन मैंगो में देखा है, वेजिटेबल्स के कृषि फेरी गुलकुल के जितने मैक्सिमम है उन पे देखा है, ये सिग्नल देते हैं। आज वो वक्त नहीं होगा कि हम पूरा एक एक प्लांट आपको बताऊं, लेकिन कभी फिर अगर आपके साथ बात होगी तो मैं आपको एक पौधे का सिग्नल सहित बताऊंगा कि क्या सिग्नल देता है, उस सिग्नल को कैसे समझना है। मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट ये है कि आज 1950 में, मैं आज एक जगह और पढ़ रहा था कहीं कि 1950 में एक किसान के कंधों पर जिम्मेदारी थी टोटल कितने लोगों के लिए भोजन उत्पन्न करना, और आज जिस तरीके से लैंड सिंक्रोनाइज होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता जाता है, किसान की चिंता बढ़ती जाती है, तो अगर हम कुछ ऐसा टेक्निक दें कि वो उसके पैथोजन को वही रोक दे और पौधों पे के पे डिजीज रेजिस्टेंस इतना तगड़ा तैयार करे कि एक तो ये कि वो पैथोजन से लड़ाई लेने में सक्षम हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट कि पौधा अपना बेस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल के बता सके कि ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है। मेरे प्रिय दोस्तों, प्लांट न्यूट्रिशन केवल डिजीज रेजिस्टेंस मत समझिएगा, प्लांट न्यूट्रिशन केवल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यील्ड का एक टूल है ऐसा मत समझिएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी प्लांट न्यूट्रिशन ये है कि जो ह्यूमन की नीड को पूरा करता है। हम सब आज बात करते हैं कि जब अभी बीमारी आई, सब लोग पेंडेमिक में आए, तो लोग क्या ढूंढते थे कि भाई कहीं किसी को डॉक्टर कहता है कि आप तो कैल्शियम की टैबलेट लो, आप तो जिंक की टैबलेट लो, मल्टीविटामिन टैबलेट लो। ऐसे ऐसे पौधे हैं, हमारे जियो लाइफ का जो फार्म है हमारा मेक माई गार्डन मुंबई में, द फार्म पीपल, उसके अंदर में ऐसे ऐसे हमारे पास प्लांट्स है, मल्टीविटामिन प्लांट, कि आप पत्तियां उसकी खाएं और आपको मल्टीविटामिन उसके अंदर मिलेगा, देयर साइंटिफिकली प्रूवन, पौधे का नाम ही मल्टीविटामिन। मैं इनवाइट करता हूं इस कृषि जागरण के फोरम से सैनी साहब की, जो लोग भी कभी अगर ऐसे इच्छा हो और मुंबई आना चाहें और आकर के विजिट करना चाहें, मैं उनका स्वागत करूंगा कि आकर के कभी देखें। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, यहां मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि न्यूट्रिएंट पैकेजेस तैयार हैं, कंप्लीट पैकेज है, तो क्या ये जो पैकेजेस हैं ये क्या क्रॉप वाइज है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जियों के लिए ये पैकेज है, पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए ऐसा पैकेज है, ऐसा अलग अलग है कि एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कुछ? वेरी राइट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है विपिन साहब, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में ये बात होगी। पहला तो ये है कि मैक्सिमम जो क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप के अलग अलग कुल हैं, फैमिलीज हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले लेवल पर तो ये है कि अलग अलग कुल की डिमांड अलग अलग होती है, तो अलग अलग कुल वाइज तैयार किया गया है। आने वाले टाइम पर और माइक्रो लेवल पर जाकर के प्लांट स्पेसिफिक भी हम करें, पर आज की डेट पे हम देखें तो हम ये देखते हैं कि फैमिली वाइज तैयारी है हमारे पास। अच्छा, ओके, तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, अब जैसे एक फैमिली में आपके पास व्हीट भी है, ओट भी है, प्रॉब्ली कॉर्न इज आल्सो देयर आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन सब की फिजियोलॉजी अलग अलग है डॉक्टर साहब, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने कोई चीज एक चीज पे टेस्ट की है उसका वो अच्छा रिजल्ट आया कि वो दूसरे में भी दे, क्योंकि कई बार ऐसे में वो आता है। करेक्ट, तो आई मीन उस सिलसिले में फिर आप कैसे करते हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि फैमिली वाइज है, तो यानी कि आप बताते होंगे कि भाई ये फैमिली का ये जैसे हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, इन सब में आप कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर चीजों में शायद आप नहीं कर सकते। करेक्ट, इसमें इस तरीके से रखते हैं कि 75% गुण जो होते हैं ना, एक कुल के मिलते जुलते होते हैं जी, एक चाहे वो मनुष्य में भी अगर अपन देखें तो वैसे ही होता है, और 25% जो होते हैं फाइन ट्यून होते हैं, तो हम 75% चीजों को तो पूरा कवरअप कर देते हैं, और उसके अंदर में जो है वो राइट डोज, राइट फॉर्म, राइट स्टेज, राइट टाइम, इन चीजों पर हमारा पूरा फोकस होकर के करते हैं।
तो पूरा उसका बेनिफिट हमारे लोगों को मिल पाता है। यानी कि आई मीन 75% तो बेनिफिट होता ही होता है इरिस्पेक्टिव जो भी है करेक्ट फैमिली के अंदर, लेकिन ये है कि आई मीन that is also a big thing. 75% also is a big help to the farmer. So doctor saab, this time ye package jo practices karte hain, ye jo aap nutrient package system banaya hai, jo aap samagri dete hain kisan bhaiyon ko, complete nutrition package, to ye jo hai ye hum sab jante hain aur bada charcha mein hai ki लोग वो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, कीड़े लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, और किसान को जहां दो स्प्रे करने होते हैं वहां बेचारा वो 6-6 स्प्रे करता है क्योंकि ही वांट्स एन इमीडिएट रिजल्ट आल्सो। करेक्ट। तो ऐसे आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस करके न्यूट्रिएंट पैकेज लेके तो क्या आपको आपने थोड़ा सा उसमें रिसर्च किया, थोड़ा सा एनालिसिस किया कि कितने प्रतिशत उसका बाद में खर्चा जो प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर है वो कितना बच जाता है, या क्या ऐसा कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया सवाल है विपिन जी, मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपके इस क्वेश्चन को। तो इसका जवाब ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारा पहला फोकस था कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कि फार्मर अगर कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज उपयोग करता है तो उसका इतने रुपए का खर्च है तो उसको बेनिफिट कितने रुपए का मिलता है, कितना गुना उसको बेनिफिट। तो हमने देखा मल्टी फोल्ड बेनिफिट मिला, किसी कुछ क्रॉप पे 25%, कुछ क्रॉप पे 30%, कुछ क्रॉप पे मोर देन दैट, इतना जबरदस्त बेनिफिट उसके मिलते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज से। सेकंड पार्ट जो आपने कहा कि पैथोजेनिक कॉस्ट जो उसकी जाती है, कि उसका प्लांट प्रोटेक्शन पे जो खर्चा होता है उसमें कुछ कमी होती है क्या? एब्सोल्युटली राइट। इसका क्वांटिफिकेशन अभी हमारे पास चालू है, कुछ क्रॉप्स में हमने क्वांटिफिकेशन किया है, पर कुछ क्रॉप्स हमारे और अभी क्वांटिफिकेशन चालू है कि जहां पर कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज का भरपूर इस्तेमाल हुआ है एक सीजन और दो सीजन पे, वहां पर प्लांट प्रोटेक्शन पे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं फार्मर के, इट मींस मेजरली ऑन द प्लांट पैथोजेनिक पार्ट, उस पे कितना कम हुआ है। ओवरऑल हमारा ऑब्जर्वेशन है कि काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, लेकिन नंबर्स में मैं थोड़ा अभी हमारे और क्वांटिफिकेशन होने के बाद में देखते हैं, फिर मैं प्रूफ नंबर बता पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, सिंस आप हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम और हम बीमारियों पौधों में बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो हम भी बेसिकली हम लोग फंजीसाइड्स की बात कर रहे हैं, केमिकल फर्टिसाइड्स हो या बायोपेस्टिसाइड हो, तो इस चर्च से यहाँ पे मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है केमिकल फंजीसाइड्स और बायो फंजीसाइड्स में, और हर कोई जैविक की तरफ जाना चाहता है, ऑर्गेनिक की तरफ करना चाहता है, कम से कम केमिकल इस्तेमाल करना चाहता है, तो अभी आप क्या चैलेंजेस देखते हैं बायो फंजीसाइड को प्रमोट करने में और कॉमन? तो ये दो पहलू हैं एक ही सवाल के, तो आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब। नहीं, डेफिनेटली। पहले तो मैं इसकी शुरुआत यहाँ से कर दूं, जो कि आज बहुत से किसान और हमारे व्यापारी बंधु पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, कि मैं कुछ दिन पहले टूर पे था लॉकडाउन के पहले, और एक एक हमारे व्यापारी भाई के दुकान पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, जबकि बहुत अच्छे एग्रोकेमिकल के विक्रेता हैं, उन्होंने कहा सर मेरे घर के पास वाला जो फार्म पूरा दिखाई दे रहा है, इस फार्म पर मैं जीरो केमिकल यूज करता हूं। और हमने कहा आप ये करोड़ों रुपए का माल बेचते हैं पेस्टिसाइड, तो फिर कैसे? तो उन्होंने एक ही जवाब था कि सर ये जो फार्म है ये फार्म मैं अपने घर के उपयोग के लिए लेता हूं, इसलिए इसके अंदर में मैं कोई भी केमिकल नहीं डालता। तो हमने कहा अपने दिन भर जो आप बेचते हैं, बोले वो हमारा व्यापार। इसका तात्पर्य सिंपल है कि हम अपनी बॉडी में, हर आदमी अवेयर है कि हम अपनी बॉडी के अंदर में इंजेस्ट कम से कम करना चाह रहे हैं, जीरो तो अभी पॉसिबल नहीं, बट कम से कम करना चाह रहे हैं जी, लेकिन हम बेचने में या करते हैं, मतलब दैट्स दैट, मेरा उसमें कोई कमेंट नहीं, आई फुली रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज दैट्स उसके कारण ही आज के डेट इतना बड़ा जो बाउंटीफुल प्रोडक्टिविटी है, तो वो उसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज हर एक आदमी चाहता है कि कम से कम केमिस्ट्रीज और केमिकल्स बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो, चाहे वो एयर के थ्रू हो, चाहे केमिकल फूड के थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू हो, चाहे सोयल के थ्रू, किसी भी मोड से कम लीस्ट इन मतलब इंजेक्शन होना चाहिए, दैट इज वन पार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन आपने पूछा कि ये अंतर क्या है, अंतर ये है सर कि जब हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं, बायो फंजीसाइड की बात करते हैं, तो हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं। एक अमेरिकन बड़े साइंटिस्ट का ही रिसर्च ये कहता है कि एक बार अगर आपके पौधे में बीमारी के लक्षण आए, आप ये मान के चलिए कि बीमारी के लक्षण आ जाए हैं, इसका मतलब फंगस ने तो 10 दिन पहले अपना काम कर दिया,
और ये 10 दिन जो बीते हैं पौधे के तनाव के ना, उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं सर। वो 10 दिन पौधे के टोटल लाइफ में कितने कष्ट के बीते हैं और उसका असर उसकी प्रोडक्टिविटी में कैसे जा रहा, लोग समझ नहीं पाते। हम छोटा एग्जांपल देते हैं सर कि हमारा जीवन 70 साल की एक्सपेक्टेंसी है। 70 साल में अगर हम 7 दिन लगातार बीमार पड़ जाएं तो हवा टाइट हो जाती है। पौधे का तो जीवन ही 90 दिन का होता है। 90 दिन के जीवन में अगर बेचारा 10 दिन बीमार पड़ गया तो 10% लाइफ चली गई उसकी। और 10% लाइफ में जब वो उतना स्ट्रेस में आता है पौधा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी की जो लॉस है उसको आप रिकवर भी नहीं कर सकते। दैट आई कैन चैलेंज इट ऑन दिस फोरम। लेकिन अगर आपने बायोलॉजिकल टूल्स यूज किया है तो ये उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर का काम करते हैं। तो वहां पर ये है कि जिस टाइम पर वो पैथोजन अटैक करेगा आपको पता भी नहीं चल रहा, वहां पर ये बायोलॉजिकल्स अगर आपने प्रिवेंटिव में यूज किया तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं पौधे। तो इसलिए जो वो इंक्यूबेशन पीरियड का लॉस है पैथोजन के पौधे के अंदर, वो लॉस केवल और केवल बायोपेस्टिसाइड बचा पाते। और जब लक्षण दिख गए उसके बाद तो फिर आप कोई भी केमिकल डालते हैं, तब तक तो फिर पौधे में 10 दिन 15 दिन का टाइम बीत गया। और वो 15 दिन का टाइम 70 दिन के 90 दिन के टाइम में 15 दिन टाइम देखना है आपको। आप अपने मतलब 70 साल की लाइफ में 15 दिन नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम विषय है विपिन जी, कि इसके ऊपर बहुत जरूरत है लोगों को सोचने की। और ये चीज अगर लोग सोचते हैं तो मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव हर जगह बायोलॉजिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल होना ही चाहिए जहां पर भी अवेलेबल। अब रही बात इसके व्यापार में चैलेंजेस की, अगर बात करें तो व्यापार में चैलेंजेस में यह है कि इसके प्रॉपर उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, कि उसकी लॉन्जिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसका जीवंतता होनी चाहिए उस माइक्रोब्स की। वो एक चैलेंज है जिसके ऊपर मैं मान सकता हूं कि स्टोरेज कैपेसिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, फिर उसका प्रॉपर किसके साथ मिलाना है किसके साथ नहीं मिलाना, वो प्रॉपर अवेयरनेस, वहां एक चैलेंज है। यद्यपि मैं तारीफ करता हूँ भारत सरकार कृषि विभाग और हमारे हर एक स्टेट डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, साइंटिस्ट की और सभी कंपनीज की जो लोग बायोलॉजिकल्स के फील्ड पर काम कर रहे हैं, वो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जब तक ये अवेयरनेस आए तब तक समय लग रहा और उसके उसके कई बार जो अपेक्षित परिणाम, वो अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाते। डॉक्टर साहब, जिंदा पौधों की तो बात काफी हो गई, बीमारियां उसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा वेदों को लेके, भगवद गीता को लेके और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना दिया टॉपिक को। मेरा आपसे ये एक सवाल है कि बीमारियां तो हार्वेस्ट के बाद भी लग जाती हैं, खराब हो जाता है सामान, यू नो आई मीन। आपने सही कहा 1950 में एक फार्मर के ऊपर बोझ था कि कितने लोगों को वो अपने पैदावार से खिला सकता है। आज का समय ऐसा है कि किसान अब उस चीज से बहुत आगे निकल गया है और अब वो टेंशन सरकार की है, हमारी है, कि अब उस पैदावार को संभालना कैसा है और ज्यादा देर के लिए कैसे संभालना है। तो उस सिलसिले में पोस्ट हार्वेस्ट जो सिलसिला है बीमारियों का जो उत्पत्ति, उसके बारे में आपका क्या विचार है कि वो कैसे नॉर्मली आजकल जैसे हम लोग करते हैं सीलो फ्यूमिगेशन है, सीलोस में रखते हैं, फ्यूमिगेट बेसिकली फ्यूमिगेशन मान के चलिए, ओपन फ्यूमिगेशन है जिसमें हम सब जानते हैं कि नीचे की जो 4-5 stack, 10 stack हैं बोरियों के, वो बगैर टारपोलिन उसके होते हैं और उसमें अगर वो फ्यूमिगेशन में डाल दोगे तो वो फ्यूमिगेशन बाहर निकल जाता तो अंदर प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। एंड वी एंड अप एक्चुअली लूजिंग अ ह्यूज यील्ड पार्ट विद दैट कुड हैव बीन स्टोर्ड, दैट कुड हैव बीन अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज्ड। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है, क्या इस तरफ क्या आप जियो लाइफ कुछ कर रही है या कोई और रिसर्च चल रही है दुनिया में हिंदुस्तान में जो कि इस चीज को देख सके कि जो प्रैक्टिकल हो सके। हम देखते हैं ऑल ओवर द कंट्री, मैं ज्यादा तो नहीं घूमा लेकिन जितना मैं घूम पाया हूँ मैं देखा ओपन फील्ड स्टोरेज बहुत प्रोमिनेंट है, तो उसके रोकथाम में वहां पे बीमारियां ना लगे, उसमें डिजीज का वो अटैक ना हो, फंगस अटैक ना हो, रोडेंट्स वगैरह का अलग किस्सा है लेकिन अपने आप को बीमारियों तक ही सीमित करते कि पैथोजेंस का वो ना लगे, तो इस मामले में आपका क्या विचार है? क्या बात है, आपने तो हमारे दिल के क्वेश्चन ला देते हैं आप विपिन जी।
इस बात पे मेरा ये है सर कि जब मैं पीएचडी कर रहा था वहां से थोड़ा सा मैं आपको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ आप सब। जब मैं पीएचडी कर रहा था मैं सर्वे के दरमियान एक किसान से मिला एक मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में, और किसान को मैंने पूछा कि आप लोगों की इतनी पॉवर्टी है तो आप लोग ये बीमारियों से कैसे निजात पाते हैं और स्टोरेज के बाद कैसे करते हैं। आपको ताजुब होगा अगर लोगों ने बताया कि सर आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम अपने स्टोरेज में कुछ भी लॉस नहीं होने देते ग्रेन्स का कैसे करते हैं। और जब मैं उनके घर के अंदर जाकर के देखा तो मुझे लगा क्या विज्ञान है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल विजडम और इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। वो क्या करते थे सर कि उन्होंने मिट्टी का जो अपने यहाँ बड़ा मड हाउस जैसे बनाते हैं, बड़ा मतलब एक कुठला बोलते हैं हमारे गांव में, कुठला बनाते हैं जहां पर वो ग्रेन स्टोरेज करते हैं। नीचे एक छोटा सा होल होता है जिसको पैक करके रखते हैं, गर्दन तक अनाज भर देते हैं, फिर उसके ऊपर से उसको ढक्कन मिट्टी का ही बंद करके उसको एयर टाइट करते हैं। वो किसान क्या करते हैं कि वो किसान पूरा गर्दन तक को मिट्टी के बर्तन को पूरा बना देंगे, भर देंगे अनाज से, उसके ऊपर एक मिट्टी की बड़ी सी प्लेट रखते हैं, उस मिट्टी की बड़ी सी प्लेट के ऊपर में एक अलग से प्लेट और रखते हैं और उसके ऊपर में कैंडल दिया जलाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, और मोमबत्ती जला करके उसके और ऊपर का जो मिट्टी का वो कवर बनाने वाला उसके बीच में एक सिग्निफिकेंट साइजेबल गैप होता है उसको पूरा एयर टाइट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि सर अब इसको आप 15 साल 20 साल 25 साल रख दो, मैं चैलेंज करता हूँ एक इंसेक्ट में। आई वाज सरप्राइज कि क्या इंटेलिजेंस है, मेरे को समझ में नहीं आया पहले कि ये क्यों है। मैंने पूछा कैसे आप इसका क्या आप मीनिंग समझते हैं, बोले सर हमें नहीं मालूम, मेरे दादा परदादा करते आ रहे हैं, मैं उस विज्ञान को फॉलो करता हूँ, विज्ञान क्या है मुझे नहीं मालूम, बताना नहीं आता, बिकॉज दे आर नॉट यू नो आई थिंक दैट नोइंग द साइंटिफिक रेशनैलिटी बिहाइंड दैट प्रैक्टिस, बट द प्रैक्टिस वाज बीइंग अडॉप्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल। मैं अपने एग्रीकल्चर कॉलेज में आकर जब उसको स्टडी करके देखा तो पता चला कि सिंपल थिंग थी कि जितना उसके अंदर में ऑक्सीजन है पूरा बर्न आउट हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा मोमबत्ती बुझ जाएगी, और जितने भी उसके अंदर में लिविंग माइक्रोब्स होंगे उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो 25 साल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, नहीं मरेगी, और वो पूरा स्टोरेज सेफ रहेगा। सी द साइंस बिपिन जी, सी द साइंस, दैट्स अ ट्रेडिशनल विजडम। लेकिन उसके बाद अगर हम आज के विज्ञान पे और आते हैं तो आज के विज्ञान पर मैं ये कहता हूँ कि पोस्ट हार्वेस्ट चीजों के लिए अभी रिसेंटली मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, 14% to 15% लॉसेस रिकॉर्ड किए गए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बिकॉज ऑफ दी पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज। जिसके लिए यह है कि अगर तालुका लेवल पर, अगर आज कई बार हमने बात देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रमोशन पे भी देखा और कई फोरम पे देखा कि तालुका लेवल पर स्टोर हाउसेज बनाए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस का प्लान किया जा रहा, पूरी एक चेन तैयार की जा रही है, तो एक तो ये कि वो टेम्परेचर और वो चीजें होंगी जिससे लॉसेस कम होंगे, लेकिन वापस अगर पौधे के अंदर की ताकत को ताकत देना है कि वो अपने आप को कर सके, तो मैं वापस कहूंगा कि मेरी जियो लाइफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि वो वापस कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज के साथ में कुछ और इस तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंपोजिशन है कि अगर वो प्री हार्वेस्ट टाइम पर उनका इस्तेमाल करता है जिसमें मेजर एक कैल्शियम होता है, तो वो जाकर के पोस्ट हार्वेस्ट पौधे के जो उसकी पेरिकार्प है उसके फ्रूट्स की पेरिकार्प को जल्दी से जल्दी वो स्लिप नहीं होने देगा, उसको इंटैक्ट रखेगा, उसकी लॉन्जिविटी लंबे टाइम तक होगी, उसका फ्रेशनेस मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद की वो उसकी जो प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको वो रेगुलेट करता है। तो वो टेक्निक एंड टूल्स जियो लाइफ के पास आज है जिसको हम और तरीके से मास स्केल पर लेकर के आए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, और जैसे आपने बहुत आपका यू बीन वेरी काइंड टू आल्सो इनवाइट कृषि जागरण टू हैव अ विजिट टू योर जियो लाइफ फार्म्स, यस, सी द टेक्नोलॉजी। एंड मैं सोचता हूँ कि कृषि जागरण को एक बार ये थोड़ा सा ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन हटे, वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव recording over there so that we can show people and probably have some farmer visitors come also coming from across the states also. Correct. And promote this kind of technology. So, most welcome Vipin ji. मैं इसलिए नहीं कि recording तो एक part है sir, मैं तो वो अलग बताना चाहता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान पे कि अगर एक बार बिपिन जी और बाकी जो लोग हैं आकर के हमारे GRF पे और हमारे हमारी जो जियो लाइफ के हमारे इनिशिएटिव्स पे एक बार अगर आप देखेंगे फिर लगेगा कि एग्जैक्टली जो बात आज डॉक्टर अमित त्रिपाठी फोरम से कह रहे हैं वो बात के पीछे का विज्ञान का केंद्र बिंदु कहाँ है। इसलिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, मेरा ये साधन आमंत्रण है आप लोगों को। मैं एक और चीज इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मेरे दिमाग में एक और चीज आया, जियो लाइफ ने नैनो टेक्नोलॉजी से बहुत बायोस्टिमुलेंट बहुत
प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उन में से उनका क्या कोई कोई आप ये हाउ डू यू सी इट अपार्ट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बायोस्टिमुलेंट एंड अ नॉन एंड अ नैनो टेक्नोलॉजी बायोस्टिमुलेंट जिसमें कि बीमारियों के रोकथाम में ज्यादा वर्क कर सके, जैसे आपने न्यूट्रिएंट पैकिंग कहा, तो क्या ये भी आपके अलग टाइप के हैं कि एक ट्रेडिशनल बायोस वो न्यूट्रिएंट पैकेज है और एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है? ये थोड़ा सा ये बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया सर। इस पे एक है कि जियो लाइफ हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, जिस चीज को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, कहता हूँ हर फोरम पे, मुझे किसी भी फोरम पे कहने पे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी के अलावा माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट यूनिक होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी METM कहते हैं, दोनों चीजों को मिला करके करते हैं। हमारे पास तो सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं जिनमें एक ग्राम एक एकड़ के लिए काम करता है और लोगों को चमत्कारी दिखता है कि यार फ्लावरिंग के टाइम पर हमको प्रॉब्लम हो रही है, फ्लावर नहीं आते, फ्लावर इनिशिएट नहीं हो पाते। हम ये कहते हैं कि आप करके देखें कि अगर एक ग्राम मतलब एक चुटकी के बराबर लोगों को लगता है डालें कैसे। इतनी बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास है सर, और इस चीज को लेकर के है कि लोगों को जो फिलर मटेरियल पे लोगों के कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उस फिलर मटेरियल के कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि इतना प्रिसाइज हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए और इतना प्रिसाइज हमारा डायग्नोसिस होनी चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हमारे एग्जैक्टली जाकर के सही साइट पर काम करें, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप। ये हमारे हमारे प्रोडक्ट और हमारी टेक्नोलॉजी के एक आयाम के अंतर्गत आता है कि हम सोर्स सिंक रिलेशनशिप को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट डेवलप करके लाते हैं, और इसी का बदौलत यह है कि आज हमारा चाहे वो वाले किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिलर मटेरियल, हर फिलर मटेरियल के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर हर चीजों को लेकर के हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी में लेकर के आ रहे हैं। दैट्स अ फ्यूचर, दैट्स अ फ्यूचर, तो वो हमारे पास पूरी तैयारियां हैं सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब की इस चर्चा से आज आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी आपने शेयर किया होगा, आपके कुछ सवाल जवाब जो होंगे वो हम लोग आगे आपके फेसबुक पे ही आपको उसका जवाब दे देंगे। और ये एपिसोड हिंदी में था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने ये कहा कि भाई ये एपिसोड एक हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि वो आप किसान भाइयों बहनों से रूबरू होना चाहते हैं। और हाउएवर वी विल हैव अनदर सिमिलर टॉपिक प्रोग्राम इन इंग्लिश फॉर दोज हु would like to understand it in English better in their own way and be enlightened about the traditional knowledge that India has in this respect, and which Dr. Tripathi in this Hindi episode has very kindly shared with all of us. और त्रिपाठी जी, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एपिसोड में आने का, हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो दोस्तों, आज का समय यही खत्म होता है, ये एपिसोड यही चर्चा खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे या हिंदी में मिलेंगे, चर्चा जारी रहेगी। चर्चा चलने से मतलब है, समझने से मतलब है। और तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें, सेफ रखें, और देखते रहें कृषि जागरण का वसाई की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।